सर ये बताएं कि जिस तरीके से गठबंधन अखिलेश कर रहे हैं, जयंत से भी उनका सौदा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ आपको लग रहा है कि चुनौती बढ़ेगी क्या? हमें कोई चुनौती नहीं, अखिलेश ने बड़े गठबंधन किए हैं, 2017 में भी किया था, 2019 में भी किया था, मगर एक प्रकार से उनका गठबंधन जितने भी हुए थे सफल नहीं हुए। जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष हो या सत्तारूढ़, वो कहीं कुंभकर्ण की निंद्रा में रहेगा और समय समय पे उठ के फिर सो जाएंगे तो उसको जनता पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो है योगी जी और मोदी जी की जोड़ी एक, वो हमेशा काम करते रहते हैं और विकास के कार्य कर रहे हैं और जनता देख रही है, इसलिए 2017 में ही सफलता मिली, 2019 में ही मिली, 2022 में भी हमें मिली। अच्छा, ओबीसी के साथ गठबंधन की बात हो रही है कि सपा करने जा रही है, राजभर ने भी ये कहा है, तो सच आ गया जो ओबीसी को कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की बीटी में, आज साफ हो गया वो सपा की बीटी में। सांप्रदायिकता ही ओबीसी जी का एक प्रकार से राजनीति है। इस समय मुलायम अखिलेश सिंह जी किसी कंधे का इस्तेमाल करते हुए वो ओबीसी का वो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर पोलराइजेशन करेंगे जिससे कि उनको फ़ायदा मिले, मगर उत्तर प्रदेश की जनता समझती है वैसा होने नहीं देगी। अभी ओबीसी ने जौनपुर में बोला है कि मैं किसी की बी टीम नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, योगी बाबा को हम गोरखपुर भेजेंगे, अभी उन्होंने कहा ओबीसी। योगी जी हमेशा ही गोरखपुर में है और गोरखपीठेश्वर हैं, इसलिए उनकी जो हमें आवश्यकता नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश की कमान किसके पास रहेगी इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी योगी जी को ही मिलने वाली है 22 में। ओवैसी साहब की जितनी चिंता है, ओवैसी साहब को फिर हैदराबाद ही जाना पड़ेगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना एक पेट है वो बढ़ाती जा रही है। तीनों किसान कानून वापस हो चुके हैं, उसके बाद भी किसान बैठे हुए, तो आने वाले समय में उनसे बातचीत चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से किसान, जब कानून वापस हो गया तो वो जल्द से जल्द उठेंगे। कोई टीम तैयार की जा रही है बीजेपी को लेकर के, कि कृषि कानून इसको लेकर बात, वो केंद्र सरकार कर रही है तो केंद्र सरकार के ऊपर का विषय है।